सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस और प्रेस काउंसिल के चेयरमैन मार्कंडेय कार्जू ने मद्रास हाईकोर्ट के एक जज की नियुक्ति के हवाले से कार्जू ने न्यायपालिका में जारी भ्रष्टाचार की तस्वीर पेश की है। उनका लेख अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। कार्जू ने लिखा है कि मद्रास हाईकोर्ट का एक जज पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोपों के बावजूद न सिर्फ अपने पद पर बना रहा बल्कि हाईकोर्ट में एडिशनल जज बना और बाद में उसे स्थायी नियुक्ति भी मिल गई। कार्जू के मुताबिक इस जज को तमिलनाडु के एक अदावर नेता का समर्थन हासिल था। कार्जू ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने आरोपी जज के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी दी और आगे नियुक्त नहीं किए जाने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी। उस समय केंद्र में यूपीए की सरकार थी और तमिलनाडु की वो पार्टी भी यूपीए का हिस्सा थी जो आरोपी जज को समर्थन कर रही थी। इस पार्टी ने कॉलेजियम के फैसले के पुरजोर विरोध किया है। तमिलनाडु के मंत्रियों ने पीएम को चेतावनी दी कि इस मुद्दे पर उनकी सरकार तक गिर सकती है। इसके बाद कांग्रेस के मंत्रियों ने यह मसला चीफ जस्टिस आरसी लोहाटी के सामने रखा और उस एडिशनल जज को बनाए रखने को कहा और आश्चर्यजनक तौर पर उस जज का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा भी दिया गया। जस्टिस कार्जू ने लिखा है कि वो अपने लेख के जरिए बस ये बताना चाहते हैं कि सिद्धांतों के उलट देश का सिस्टम कैसे काम करता है। So it is the human personnel who are manning that system which matters. So are you suggesting, sir, that at this point in time, the members of the higher judiciary, whether in the High Court or Supreme Court, are not first-rate material? No, I am not saying about the present occasion. I was talking of what happened in 2005. I am not talking of the present. So far as the present Chief Justice of India, Justice Lodha, is concerned, I have high respect for him. I think he is a first-class Chief Justice. So I'm not saying all about commenting about the present situation and about all senior judges, but at that particular time, something very wrong happened, which was at least I found it shocking. But sir, coming after so many years, you will be criticized that after so many years, almost 10 years, you have decided to speak up. We would like to know why now. See, better late than never. And the question is not why, but whether what I'm saying is correct or not. In where you people are media people, and find out, make inquiries whether what I'm saying is correct. Whether I said it, yes, I could have said it earlier, I said it later, but what I have said, is it correct or not? This is what you should inquire. How are you concerned whether why I'm making the statement now or whether I should have Sir, made it in the one past? Last thing, one last question. Do you believe, or rather, is it in your personal knowledge that there is political interference in the appointment of judges in the past or now? Sometimes there is. In theory, of course, there is a judge's case that it is a Supreme Court collegium will decide and all. That is the theory part. But sometimes the reality is somewhat different. Not always, but sometimes. And this is the glaring example which I give. और सीधे रुक करते हैं हमारे संवाददाता एहतशाम खान का। एहतशाम, क्या समझा जाए? देखिए, दो चीजें इसमें देखनी होंगी। एक तो पहली बात कि जस्टिस कार्जू साहब ने जो बात कही है उस पे उससे कोई भी नाइतफाकी नहीं है। ज्यादातर लोग जो जुडिशरी से जुड़े हुए हैं या सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को नजदीक से देखते हैं, उनका भी ये कहना है कि इस तरह के अपॉइंटमेंट्स होते हैं और सरकार का दखल होता है और साथ ही साथ कोलिजियम के भी कुछ फैसले होते हैं उसमें भी सारी चीजें सही नहीं होती हैं। इस तरह का जानकारों का मानना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल फिर यही खड़ा होता है, जैसे कि हमारे सहयोगी ने इनसे पूछा जस्टिस कार्जू से, कि एक विसिल ब्लोवर की तरह इनको उस वक्त ये बातें उठानी चाहिए थी, अभी ये बातें क्यों आ रही हैं? तो ये जो इनका मकसद क्या हो सकता है जस्टिस कार्जू साहब का, इसको भी देखना होगा। क्योंकि लगातार हाल के दिनों में हमने देखा कि दो इनके बयान आए हैं। इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर ये आए और इन्होंने एकदम आउट ऑफ द वे जाके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करनी शुरू की, जो कि बहुत लोगों को बड़ा शॉकिंग लगा कि क्या ये गवर्नमेंट को, जो आज की सरकार है, उसको प्लीज करने की, उनको वहां कुछ मैसेज देने की बात है। और फिर अभी जो उन्होंने लेख लिखा उसमें सीधे सीधे पूर्व प्रधानमंत्री, जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके ऊपर इन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार बचाने के लिए गलत अपॉइंटमेंट यूपीए सरकार द्वारा की गई। तो इस, क्योंकि अभी हाल के दिनों में हमने देखा कि जुडिशियरी और जो मौजूदा सरकार है उसके बीच में भी टकराव नजर आ रहा था, तो क्या एक संदेश ये देना चाह रहे थे कि यूपीए में भी ऐसा हुआ है? तो ये चीजें देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए एहतशाम, आपका बहुत